तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से टैली को अपने मोबाइल के अंदर कैसे चला सकते हैं और चलाकर आप अपना सभी काम अपने मोबाइल के अंदर टैली के द्वारा कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, जैसे कि बैकअप है, पासवर्ड है, इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज्यादा जानने के लिए दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता लूं कि यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाके टैली ऑन मोबाइल को सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद दोस्तों आपको ये ऐप इस प्रकार से शो हो जाती है। इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक क्लिक के द्वारा इसके अंदर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपको जो इसका लुक है वो इस प्रकार से शो हो जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सेकंड ऑप्शन, जहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है वो आपको यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनानी है जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम देना है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद GST नंबर। इसके बाद आपको जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आप इसके अंदर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड रख सकते हैं। इसके बाद जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नीचे आपको जो सेव का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो कंपनी है वो सेव हो जाती है। तो मैंने एक कंपनी पहले से बनाई हुई है, इसलिए मैं बैक आया, और बैक आने के बाद दोस्तों यदि हम उस कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको जो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपने जो भी कंपनी बनाई होगी वो कंपनी यहाँ पे आपको शो हो जाती है। यदि आप इसके अंदर वर्क करना चाहते, कुछ एडिट करना चाहते तो आपको उस कंपनी पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अंदर मास्टर बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास मास्टर है तब जाके उसके अंदर काम कर सकते हैं। आप किन किन मास्टर के साथ काम करते हैं वो मास्टर यहाँ पे बनाने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको अकाउंट मास्टर का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 मास्टर पहले से बनाए हुए हैं। यदि आप अपने न्यू मास्टर बनाना चाहते हैं तो आपको ऐड का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मास्टर का नाम देना है वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, ताकि आपको मैं उदाहरण के साथ बता लूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब इस मास्टर को मुझे कौन से ग्रुप के अंदर लेना है उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये मेरा डेबिटर है, क्रेडिटर है, या फिर जो भी है जिससे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर ले सकता हूँ, जैसे अनसिक्योर लोन या कुछ भी है तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ, तो ये जो मास्टर है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाता है। इसके बाद उसका जो ओपनिंग बैलेंस आप रखना चाहते हैं या जो भी बैलेंस आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। यदि मास्टर के बारे में दोस्तों यदि इसके अंदर जो ग्रुप है उसके बारे में आपको पता नहीं चले तो आपको जो प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके आप इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, आपको कहीं भी लिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि आप इसके अंदर कुछ बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। इसको यदि डेबिटर या क्रेडिटर जो भी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो भी है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका यहाँ पे ये जो लेजर है वो यहाँ पे बन जाता है। अब लेजर बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो लेजर है वो नीचे से हो जाता है। यदि आप इसके अंदर कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुछ और भी एडिट कर सकते हैं, और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस प्रकार से शो हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि कुछ और भी आप लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पहले बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेबिटर बनाया था तो उसके अंदर कुछ डिटेल ज़्यादा मुझे ऐड करनी पड़ी, जैसे उसका मोबाइल नंबर है, GST नंबर है, उसका स्टेट है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी मैंने कुछ ऐड किया था। तो जिस प्रकार से आप लेजर लेते हैं, लेजर के अंदर आप जैसा ग्रुप लेते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है वाउचर, और वाउचर के अंदर आप कौन से वाउचर के अंदर वर्क करना चाहते हैं, सेल है, परचेज है, कॉन्ट्रा है, या फिर जो भी है आप जिसके अंदर भी वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद आप जो भी वर्क करना चाहते हैं या फिर जो भी आप डिटेल ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, जिससे कि आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यदि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप इसके अंदर वर्क कर सकें। अब इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर जाके आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट है वो देख सकते हैं, जैसे डे बुक देख सकते हैं, लेजर है, कैश बैंक बुक, या फिर जो भी ग्रुप समरी वगैरह, रजिस्टर वगैरह, जो भी आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ट्रायल बैलेंस है, फाइनल रिपोर्ट है, या फिर जो भी आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी आपको कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन मिलते हैं वो सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लगभग कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑप्शन मिलते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपना जो बेसिक काम है वो अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप इसके बाद बाहर आना चाहते हैं तो बाहर आ सकते हैं, और बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबसे मेन ऑप्शन मिलता है वो है यूटिलिटी। तो आप इसके अंदर जाके आप अपना जो कंपनी उसका बैकअप ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एडिट कंपनी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, स्पीड कंपनी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ और भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है, रीस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, जिससे कि आप अपना जो काम काज है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। यदि आपको इस मोबाइल से डेटा किसी और मोबाइल के अंदर भेजना है तो आप बैकअप और रीस्टोर कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।